अब सभी इसी जुगत में लगे हुए हैं कि किसी तरह से वो दूसरे नंबर की पार्टी बन जाए। हालांकि यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व लगातार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कीर्तिनिधि पांडे जी, क्योंकि बीआरएस के चंद्रशेखर राव, उनसे तो समाजवादी पार्टी के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं अखिलेश यादव के, तो ऐसे में क्यों असफल हो रही है बीआरएस को अपने साथ लाने में? क्योंकि अगर बीआरएस अगर आपके साथ आ गई तो कहीं ना कहीं तेलंगाना इंडिया का होगा और एक बड़ी जीत की ओर लोकसभा चुनाव में कहा जा सकता है। ये कई समस्याएं का समाधान संवाद से होता और संवाद कायम है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का और केसीआर साहब का संबंध बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके आमंत्रण पर तेलंगाना भी गए थे, बड़ी रैली को संबोधित भी किए थे और देखिए आगे आगे देखिए होता क्या। बहुत से दल अभी इंडिया अलायंस के साथ खड़े होंगे और एक बार जो निगत अब्बास जी बीआरएस साथ आ सकती है, बिल्कुल बहुत सी संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं। मैंने कहा ना 15 से 26, 26 से 28 और कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर इस अलायंस में हैं, इसलिए कुछ भी राजनीति में संभव और लगातार संवाद कायम है। और एक बात जो निगत अब्बास जी कह रहे थे कि हम घोसी चुनाव जीते, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार घोसी में हमको लगातार हराना चाहती थी, लेकिन घोसी की जनता स्वयं इस लड़ाई को लड़ने का काम किए और एक बड़ा अंतर के साथ समाजवादी पार्टी को विजय श्रेट। और हारने के बाद इनके अलायंस पार्टनर, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे वो अपना दल हो, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे कि हमारा वोट मिला उनका नहीं मिला। कोई कह रहा साहब हमारा वोट मिला राजभर जी के बड़बोलेपन ने हरा दिया। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे। और एक बात दुबे जी कह रहे थे, इनके विवाद का जवाब पता चल, जो लोग महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिए, जो लोग शिवसेना के सिंबल पे जीत के आकर के बाला साहब ठाकरे और उनकी पार्टी को धोखा देने का काम, एक नहीं कई सर्वे महाराष्ट्र के अंदर कराए गए, आज भी जो हैसियत उद्धव साहब ठाकरे उनकी शिवसेना का, जो शरद पवार साहब और उनकी पार्टी का है, वो आज भी अजीत पवार दादा और एकनाथ शिंदे की पूरी पार्टी सरकार में रहने के बाद भी नहीं है। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर ले रही हूँ कीर्ति जी, एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर ले रही हूँ। चर्चा लगातार जारी है दक्षिण से, अब यहाँ 2024 का द्वार खोलने की कोशिश में उधर एनडीए और आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कांग्रेस की हैदराबाद से, तो एक तरह से दक्षिण में अब ताल ठोकने की तैयारी में तमाम जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों ही जो राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस यहां नजर आएंगी। नजर लगातार हमारी बनी हुई है, चर्चा जारी है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।